नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर इंस्पायर न्यूज़ में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो भारत और चीन के बीच जो बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि जो पेंगोंग झील है तो वहाँ पर बहुत बड़ा तनाव है। एक ऊंची चोटी है, पहले चीन ने कब्जा कर रखा था और अब वापस अपने भारत ने, जो जबकि वो ज़मीन जो है वो अपने हिंदुस्तान की है, यानी कि अपने इंडिया की है और चीन की नहीं है जो सीमा है। तो और चीन पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है तो वो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और अब तो राफेल भी आ गया है, तो चीन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। अगर ज़रूरत पड़ी राफेल की, तो राफेल वो मिसाइलें भी लेके साथ में आया है जो कि चीन में तबाही लेके आ सकता है। अगर भारत ने पेंगोंग से अपनी सेना जल्द नहीं हटाई तो यानी कि वहाँ पर हमारे भी सैनिक वहाँ पर अड़े रहेंगे और जब तक ठंड आ जाएंगी, ठंड आते ही, और उनका कहना है, चीन मीडिया का, ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो ठंड झेल नहीं सकती, उनको ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाएगी और वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ पर वो जम जाएंगे और बहुत ज़्यादा अनाप शनाप ऐसी बात कही है। लेकिन ऐसा नहीं है, डोकलाम विवाद हुआ था तो वहाँ पर चीन की सेना के सैनिकों की हड्डी तक तोड़ दी गई थी, तो फिर भी वो मानने को राजी नहीं है। सेना बिल्कुल तैयार है कैसे भी लड़ने के लिए आ जाए। अब तो राफेल भी आ गया है तो वहाँ पर चीन अब टिक नहीं पाएगा, क्योंकि राफेल में बहुत अच्छी अच्छी तकनीकी भी लगाई गई हैं। क्या है यहाँ पर, तो अपने हिंदुस्तान का आपने देखा होगा, लोकतंत्र है तो यहाँ पर सब कुछ जायज़ है, यानी कि आज़ादी है। लेकिन चीन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर शी जिनपिंग जैसे बोलेंगे वैसे ही कोई वहाँ से पत्रकार बोलेगा, जैसा वो शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं वहाँ के चीन के, वो जो बोलेंगे वही लिखेंगे। तो आपको पता होगा कि चीन ऐसे ही गीदड़ बपकी देता रहता है, उसका कोई सेंस नहीं है। अभी अभी मॉस्को में जो मीटिंग हुई है, जो हमारे देश के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री, तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि न जाने कितनी मीटिंग हो गई है, कोई उसका सेंस भी नहीं निकल पाया है, कुछ नहीं हुआ है। पीठ पर बार करने का बस उसका इरादा रहता है, कहती तो वहाँ पर सांस लेना, इतनी हाइट है जो कि सांस लेने में भी वहाँ पर तकलीफ होती है। तो हिंदुस्तान की फौज को भी ऐसे ही ट्रेंड किया गया है कि कितनी भी सर्दी हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। ऐसे ग्लोबल टाइम्स के जो अखबार बोल रहे हैं और न्यूज़ बोल रही है, उनके ट्वीट बोल रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। हिंदुस्तान बिल्कुल अब डरने वाला नहीं है और ना पीछे मुड़ने वाला, क्योंकि जो 1962 में पहले कब्जा कर लिया था वापस हिंदुस्तान ने, वो अपनी ज़मीन वापस चीन से उसकी मुँह से छीन ली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े दिन से बहुत वो बोलते रहते थे कि 1962 1962, अब देखिए हिंदुस्तान को आंख दिखाता रहता है वैसे ही, यानी कि जो पाकिस्तान उसका जो गुलाम है, अब तो गुलाम बन गया है पाकिस्तान, जो कि वहां पर लंबे लंबे कारोबार कर रहा है चीन और रेल लाइन डाल रहा है और उसको कब्जा लेगा। तो आपने देखा होगा कि हर किसी देश को अपना गुलाम बनाना चाहता है, छोटे छोटे मुल्क हैं वह उन पर कब्जा करने की सोचता है और करता भी है। थैंक यू सो मच।